दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं गुरबिंदर हर बार की तरह आज आपको एक खास शानदार घर दिखाने लाया हूँ। दोस्तों आज के घर के बारे में आपको पहले बता देता हूँ, जो आज का घर हमारा रहने वाला है मोहाली के सेक्टर 125 में रहने वाला है। एक अच्छी लोकेशन है जहाँ से आपकी जो अपकमिंग 200 फुट रोड है बिल्कुल पास में रहेगी। और जो घर हमारा रहेगा एक गेटेड सोसाइटी के अंदर रहेगा और साथ में आपको एक पार्क मिल जाएगा थोड़ा सा आगे। तो मतलब कि आपके अगर घर में बच्चे हैं तो आप एक तरफ से सिक्योर, अगर आप मार्केट जाते हैं कहीं और जॉब पे जाते हैं तो उसके पीछे अगर आपके फैमिली है वो एक बिल्कुल सिक्योर लोकेशन पे रहेगी। तो दोस्तों घर जो रहेगा हमारा 120 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर रहेगा। दो बेडरूम हॉल किचन हमें नीचे मिल जाता है और एक वन बेडरूम सेट पूरा प्रॉपर हमें ऊपर मिल जाता है। घर हमारे आज सेमी फर्निश रहेंगे जिसमें आपको फॉल सीलिंग डिजाइन, फ्लोरिंग आपको बैटरी पाइड मिलेगी, सागवान का सारा वुड और डिजाइनर वुड वर्क मिलने वाला है यहाँ पर हमें। और यह जो घर का डिजाइन रहेगा वो एक्चुअली स्पेनिश स्टाइल है, वो बिल्कुल डिफरेंट सा डिजाइन है। तो आज की वीडियो को पूरा देखना, मजे लेना। तो दोस्तों यहाँ से हमारे घर का फ्रंट जो यहाँ से शुरू होता है बिल्कुल एक स्पेनिश डिजाइन, एक अलग ही अनोखा डिजाइन, बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन है। आप देखिए एक ड्यूल टोन के अंदर इसको बनाया गया है, ग्रे और येलो के अंदर एक बड़ा अच्छा सा टोन यहाँ पर दिया गया है। एक डिजाइन भी बिल्कुल डिफरेंट है। आप ऊपर की तरफ देखिए फर्स्ट फ्लोर पर आपको एक अलग ही तरह के आर्क्स यहाँ पर नजर आएंगी और जो रेलिंग रहेगी आपकी आयरन की रहेगी। और नीचे हम आते तो ग्रे कलर का आपका आयरन गेट आएगा, सामने थोड़ा सा ग्रीन एरिया आपको मिल जाता है और पार्किंग के लिए भी जो काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। और ये बता दूं दोस्तों कि ये बिल्कुल आपका हाईवे के पास है, तो यहाँ से आना जाना या निकलना वो कहीं पे कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। पार्किंग में आपको पूरा ग्रेनाइट यहाँ पर मिलने वाला है और इजीली आपकी जो सेडान गाड़ी है वो यहाँ पर लगेगी, क्योंकि बहुत सारे घरों में हमने अभी तक देखा था कि यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाती थी, तो यहाँ पर आपको पार्किंग की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली। और प्लस जो हमें सामने ग्रीन एरिया मिल जाता है ये खास चीज़ है, इसका मतलब ये है कि आप इजीली यहाँ पर ग्रीनरी अपनी मेंटेन करें, घर के सामने आपका गार्डन हो। और ठीक गार्डन के इस तरफ हमारे पास एक बड़ी सी खिड़की आ जाती है जो कि 8 फीट की हाइट तक है। बड़े होने का फ़ायदा ये होता है आप देखिए ग्लास पूरा है तो अंदर से व्यू जो बाहर का आता है वो बहुत अच्छा रहता है। और दोस्तों बता दूँ यहाँ पर पूरी आपकी गेटेड सोसाइटी रहेगी और काफ़ी बड़ी पार्किंग है, इसलिए आपकी होंडा सिटी कार यहाँ पर आराम से लग जाएगी। और ठीक यहाँ पर आपकी स्टेयर्स आ जाती है जो कि बिल्कुल ग्रेनाइट के साथ बनी गई हैं, अच्छे स्टेप्स हैं, साइज अच्छा है, उसके साथ आपकी स्टेनलेस स्टील की रेलिंग। और ठीक हमारे इस तरफ जो है हमारा मेन एंट्रेंस जो डोर की वुडन है, बिल्कुल बैक पॉलिश आपको दी गई है और काफ़ी हैवी डोर है। आप देखिए डिज़ाइन ऊपर से लेके नीचे तक पूरा आपको मिल जाता है, 8 फीट का हाइट रहेगी इसकी, विड्थ काफ़ी अच्छी है। और जो हैंडल आपके रहेंगे वो सारे आपके गोदरेज के रहेंगे, गोदरेज के लॉक्स यहाँ पर रहेंगे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ बात है ये। और जैसे ही हम अंदर आते हैं तो हमारे पास एक काफ़ी अच्छा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया हमें मिल जाता है। तो ये बात होती है अलग से, अगर आपके पास एक अच्छा ड्राइंग डाइनिंग एरिया हो तो आप जैसे जो सामान रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए 5 सीटर रखा है और उसके बाद ड्राइंग और डाइनिंग के बीच में जो स्पेस है वो बेहद खूबसूरत है। सीलिंग पर काफी अच्छा डिजाइन जैसे आप देख रहे हैं वैसे आपको मिलने वाला है। आप ये लगा लीजिए मिलना आपको सेमी फर्निचर, तो मतलब कि फर्नीचर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो 5 सीटर है। अगर आप 2 सीट्स यहाँ पर और रखेंगे तब भी आपकी जो जगह है वो खराब नहीं होगी कहीं से भी। और ठीक इस तरफ आपको जो है टीवी पैनल मिल जाता है, काफ़ी बड़ा साइज़ है, अच्छा है, आप बड़ा सा जो टीवी है वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ से आपके जो बाहर का नज़ारा है वो बेहद शानदार आने वाला आपको खिड़की से। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने डाइनिंग टेबल की तरफ जो कि 6 सीटर यहाँ पर रखा गया है। यूजली आप देखते हैं कि 2 BHK अगर नीचे हो तो वहाँ पर 4 सीटर यहाँ पर रखा होता है, तो 6 सीटर रखने के बाद भी हमारे पास जो स्पेस है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। किचन जी हाँ, किचन में भी आपको पूरा सीलिंग पर अच्छा सा डिज़ाइन मिलने वाला है यहाँ पर। और देखिए किचन का डिज़ाइन कुछ तो इस तरीके से है कि अगर आपके यहाँ पर गेस्ट है और आप यहाँ से काम कर रहे हैं तो यार ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा तरीका है इसको डिज़ाइन करने का। तो तकरीबन जे शेप के अंदर आपको ये किचन मिल जाती है, नीचे आपका सारा जो है ग्रे शेड आपको दिया गया है, ग्रेनाइट आपको यहाँ लगा हुआ मिल जाएगा, सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ आपको ये मिलने वाला है। तो स्पेस आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है तो उसमें कहीं कमी नहीं आती। डबल सिंक हमें मिल जाएगा, जैगवार के टैप्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन सिंक जो है काफी बड़ा है और साउंडनेस है, ये बड़ी अच्छी खास चीज है।
और सामने यहाँ पर हमें खिड़की मिल जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको वेंटिलेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजिली, जैसे हम यहाँ पर चिमनी लगाते हैं, चिमनी ना भी लगाएं तो ये भी यहाँ पर एक खिड़की है आपके पास, तो ये सारा काम वो संभाल लेती है। बड़े बड़े रैक्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे स्टोरेज के लिए, और ये थोड़ा सा ऊंचा है तो आप स्टूल रख के ऊपर पहुँच सकते हैं। वैसे ज़्यादा ऊंचा बना दिया ये, कोई बात नहीं, जैसे आप आओगे तो आपके लिए प्रॉपर एक अच्छे साइज में कर देंगे। किचन काफ़ी अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है, और इसके ठीक इस तरफ पढ़ते हैं तो हमारा फर्स्ट बेडरूम यहाँ पर आ जाता है। एक अच्छा साइज हमें मिल जाता है, देखिए पूरे घर के अंदर जो रूम्स हैं वो काफ़ी अच्छे साइज के हैं। बेड लगाने के बाद हमारे पास पूरा जो रूम है काफ़ी अच्छी जगह बच जाती है। देखिए 10.5 फीट का आपका जो विड्थ रहेगी और 13 फीट की आपकी लेंथ रहेगी, तो काफी अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है। इजीली आप यहाँ पर अपना बेड रखें और उसके साथ आराम से आप जो स्पेस है उसको एंजॉय करें। यहाँ पर आपके पास जो है वार्डरोब्स हमें मिल जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है कि अगर आपको ये डोर्स वाली चाहिए या फिर स्लाइडर डोर्स में अंदर चाहिए, तो वो दोनों ऑप्शन आपको मिलेगी, और सीलिंग की हाइट तक हमें जो मिलती है यहाँ पर। और जैसा ये डिजाइन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये कुछ हमें ऐसा ही मिलने वाला पीओपी के अंदर। तो खास चीज है, एक अच्छी बात है, ये होना चाहिए ऐसा। तो बढ़ते थोड़ा सा आगे, यहाँ पर हमारा जो है वॉशरूम, काफी अच्छी स्पेस है, जैगवार की फिटिंग है। सामने वाला दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइट की थोड़ी सी कमी है। जैगवार की फिटिंग्स यहाँ पर रहेंगी आपकी, एक अच्छा साइज, एक अच्छा डिजाइन के साथ आपको जो है पूरी की पूरी वॉशरूम यहाँ पर मिलने वाला है। एक अच्छा साइज डिजाइन काफी अच्छा है टाइल्स का। और दोस्तों वापस यहाँ से निकलते हैं तो हमारे पास सामने यहाँ पर आ जाता है एक आउटडोर, जहाँ से हम सीधा पहुँचते हैं अपने वॉशिंग एरिया के पास। और यहाँ भी हमारे पास काफ़ी अच्छी स्पेस है, आप इजीली जो है फ्रंट लोडेड मशीन जो होती है यहाँ पर रख सकते हैं। टैप्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, साथ में पावर पॉइंट आपको यहाँ मिल जाता है। आपकी जो खिड़की है वो सारी काफ़ी बड़ी बड़ी है, ये बहुत खास चीज़ है। आप जब अंदर से बाहर देखते हैं तो आपको एक अलग ही नज़र आता है, ये एक अलग ही चीज़ होती है। ये पूरे आपको एसी के पॉइंट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। एक यहाँ पर हमारा सेकेंड बेडरूम, और नीचे आपको जितनी फ्लोरिंग यहाँ पर मिल रही है इस बेडरूम के अंदर, ये सारी आपके वुडन लुक के अंदर टाइल्स आपको मिलने वाली हैं। और जो बाकी घर के अंदर टाइल्स आपके लगी हैं वो सारी जो हैं बैटरी फाई टाइल्स लगी हैं। और काफी अच्छा डिजाइन दिया गया है। और बता दो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं टीवी पैनल, और पैनल के ऊपर ये आपका कोई सनमाइका नहीं लगा, ये आपका पेंट है। तो काफी अच्छी पेंटिंग यहाँ पर दी गई है। आप देखिए वॉल्स के ऊपर भी, आपको अगर आप खुद आकर देखते हैं इस चीज़ को तो समझ आएगा कि हाँ यहाँ पर जो काम किया गया वाकई काबिले तारीफ है, क्वालिटी वर्क आपको यहाँ पर पूरा मिलता है। बड़ी सी खिड़की, और ठीक है सिर्फ हमारे पास जो है हमारा वॉशरूम। कलर्स हमने पहले वॉशरूम में भी देखे काफी अच्छे थे, और यहाँ पर भी तो सीलिंग की हाइट तक आपके जो है पूरी जाती है, टाइल्स आपके ग्रे के अंदर है, लाइट और डार्क शेड के अंदर बिल्कुल प्रॉपर आप सारी चीजें डिजाइनर यहाँ पर मिलने वाली है। जैगवार की तरफ से एक डिफरेंट ब्रांड मिलेगा और साथ में डिजाइन, तो दोनों ही चीजें यहाँ पूरी मिल जाएंगी। और दोस्तों बता दो, जो हमने ड्राइंग एरिया के अंदर ये वॉल हमने देखी थी, तो यहाँ पर भी आपको हल्का सा एक डिजाइन नजर आएगा, जो कि यहाँ पर वॉलपेपर नहीं है, तो ये आपको डिजाइन जो है पूरा मिलने वाला पीओपी के अंदर। तो कुल मिला के जो चीजें हैं वो हमें पूरी मिलती है, क्वालिटी वर्क जो हमें पूरा यहाँ पर मिल जाता है। क्योंकि जब हम घर देखते हैं अपने लिए, तो हमें लगता है कि वहाँ पर अगर एक आध चीज़ कोई अलग हो या ज़्यादा हो तो दिल जरा सा खुश हो जाता है। क्योंकि हम सिर्फ घर नहीं खरीदते, हम वहाँ पर सपना खरीदते हैं, और सपनों में यह कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ वहाँ पूरी होनी चाहिए। और पहुँचे दोस्तों अपने फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे भी आपके पास काफ़ी अच्छी खिड़की यहाँ पर मिल जाती है, जहाँ से लाइट पूरी आती है यहाँ पर। और ठीक यहाँ पर आपको एक बेडरूम मिल जाता है, काफी अच्छी स्पेस,
आपको ऊपर बीघा मिलने वाली है। हाँ बिजली अपना बेड लगाएं और आराम से मजे लें। ये कमरा भी आपका काफी बड़ा है बाकी रूम्स के, और इतना नहीं आपके जो एक्चुअल में जो वार्डरोब्स है वो आपके यहाँ पर शिफ्ट कर दी गई है, तो इससे क्या वो आपके जो रूम में स्पेस है वो पूरी खुल गई है। वॉशरूम आपको हर जगह अटैच मिलेंगे और बिल्कुल ब्रांडेड एक अच्छे डिजाइन के साथ मिलेंगे सारे के सारे। और ठीक यहाँ पर एक बड़ी सी खिड़की और इसके साथ ही यहाँ पर आपको मिलती है बड़ी सी बालकोनी। आपके पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे हो इसलिए आपको थोड़ा सा आसपास ही रखा गया है। बालकोनी का साइज अच्छा है। और बता दो दोस्तों अगर आपकी रोड्स वगैरह वो सारी हाथ कुछ ही देर में बन जाएंगी हम खुद ही आपको बना के देंगे तो उसमें आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और एक बड़ी और चीज़ अच्छी यहाँ पर ये है कि जैसे हम ये वाला दरवाज़ा खोलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा किचन आ जाती है। तो दोस्तों अगर आपकी बाबा जी से लड़ाई हो जाए तो आप अलग से ऊपर आके अंडा भुर्जी बना के खा सकते हैं। फिर चाहूँगा वैसे ही आपके टेनेंट्स के लिए आपने एक किचन बना दी है या एक अलग प्रोविजन हमने यहाँ पर रख दी है जो हम पूरी बना के आपको दे रहे हैं। तो जैसे आप इसको यूज़ करना चाहें ये आप पर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है ओपन एरिया। तो दोस्तों यहाँ पर स्पेस काफ़ी अच्छी है, हम जैसे इसे यूज़ करना चाहते कर सकते हैं। इन केस आपको लगता है कि आपने ऊपर भी कंस्ट्रक्शन करनी है इन फ्यूचर तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल 200 फीट रोड के पास आपका घर यहाँ पर पूरा मिल जाता है हमें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 3 बेडरूम का घर जो कि 120 स्क्वायर यार्ड के अंदर बना हुआ है, एक अच्छी लोकेशन के ऊपर है, आसपास एरिया तकरीबन बसे हुए हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितने भी हाउसिंग वीडियोस हैं वो आपके मिस ना हो। तो दोस्तों इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए घर के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।